Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. जब आप किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसमें? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग को, जो कि लोकल एरियाज में आपके बिजनेसेस हैं, वो स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उनको जो मार्केटिंग की जरूरत होती है ना, उनको ये जरूरत होती है कि उनको मैक्सिमम पीपल देखें, उनकी पोस्ट पे जो भी आप पोस्ट कर रहे हो मैक्सिमम पोस्ट एंगेजमेंट आए। तो पोस्ट एंगेजमेंट के लिए मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल भी दी थी कि आप लोग किस तरह से पोस्ट एंगेजमेंट के लिए कोई भी बूस्ट करते हो, ठीक है, आपका कंटेंट मैटर करता है उसमें कि आप लोग कितने बजट की जो है एड चला रहे हो, उसमें आपका जो भी बजट स्पेंड हो रहा है वो क्या है, आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने उस दिन एग्जाम्पल दी थी आपको, ठीक है। अब मैं एक और जो है पोस्ट आप लोगों के सामने इधर शो करता हूँ कि आप लोगों के सामने कि फेसबुक का मैंने उस दिन भी ये बताया था कि फेसबुक जो रीच शो कर रही होती है, कि जो भी आप डॉलर स्पेंड कर रहे हो उस पे जो फेसबुक रीच शो कर रही होती है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। वो रीच सिर्फ एक एस्टिमेटेड होती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। ये सब कैसे फर्क पड़ेगा, ये जब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब आप लोग एड्स क्रिएट करेंगे, ये चीजें आपको उस वक्त समझ आएंगी। इधर आज हम एक और एग्जाम्पल को इसी तरह लाइव ही मैं आप लोगों के सामने एड क्रिएट करता हूँ। क्रिएट का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है, यहाँ पर हम एक मूडीज कैफे की मैं एक और एड को रन करके आप लोगों के सामने एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मैंने आप लोगों को उस दिन बड़े अच्छे से डिटेल से बताया कि पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है। जो भी ये आपकी पोस्ट पे लाइक, कॉमेंट, शेयर या जो कुछ भी आ रहा होता है वो पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन के थ्रू ही आ रहा होता है, ठीक है। इसमें पोस्ट एंगेजमेंट भी आप क्लाइंट का मैंशन करें ताकि आप, अगर आपके एड अकाउंट में हंड्रेड ऑफ एड चल रहे हैं तो आपको सर्च करना भी इजी होगा, फेसबुक वहां पे सर्च का ऑप्शन दे रहा होता है आपको कि आप किस तरह से सर्च करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज द सेव ऑडियंस। मैं अपने क्लाइंट की एक ऑडियंस को सेव कर लेता हूँ, एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मैंने इसकी एक दफा बैठ के टारगेटिंग बना ली कि मैं किस एज को, किस इंटरेस्ट को, किस जेंडर को या किस स्कूल कॉलेज को टारगेट करूं तो इनके लिए सबसे बेनिफिशियल है। मैंने 4 से 5 एड क्रिएट की डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे, डिफरेंट चीज पे, और मुझे जिस पे सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला मैंने उस ऑडियंस को यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। मुझे बार बार दोबारा से वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट ऑडियंसेस को डिफरेंट पेजेस के लिए सेव किया हुआ है, ठीक है। मुझे बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं बार बार करूंगा तो मेरा टाइम उसमें ज्यादा स्पेंड होगा। तो ये भी फेसबुक की फैसिलिटी है कि अगर आप इसको सेव कर लेते हैं उस ऑडियंस को, जो जिस ऑडियंस पे आपका उस क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्स ज्यादा आया है, ठीक है। हम दोबारा से एक दफा क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर आके, हम एक पोस्ट को, सरगोधा का बिजनेस है मेरा तो मैं सरगोधा के लोगों के लिए मैक्सिमम चाहूंगा, तो सिटी का आप लोग जो है टारगेट करेंगे, यहाँ पर सिटी आप लोग मेंशन करेंगे, ठीक है, ये सिटी आपका आ गया, ठीक है। सिटी के बाद फेसबुक ये आपको ऑप्शन दे रहा है किलोमीटर्स के हिसाब से कि आप कितने किलोमीटर तक आप उसको जाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप अपने मुताबिक उसको किलोमीटर तक जो है ना, अगर आपका बिजनेस शॉर्ट एरिया में है, मींस उसकी अप्रोच करने वाले लोग नजदीक नजदीक हैं, तो आप उसको मिनिमम कर सकते हैं और मिनिमम में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना कि एक फास्ट फूड है, वो आप अगर 50 किलोमीटर के एरिया तक दिखाएंगे तो जो 50 किलोमीटर के एरिया के लोगों को एड शो की जा रही है वो उनके आने के चांसेस बहुत कम है। जो नजदीक का होगा हो सकता है उसका मूड बन जाए, उसका दिल कर पड़े वो एड देखकर या जो आपकी ऑफर देखकर कि वो चक्कर लगा ले, वो आ जाए आपके बिजनेस पे। तो उसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग एरिया पे मिनिमम पे आप लोग काम करें ताकि आपका जो क्लाइंट है, आपकी जो रीच है, आप जिन लोगों को रीच दिखा रहे हैं उन भी हो, ठीक है। हम यहाँ पर इसको 15 कर देते हैं, जो 15 किलोमीटर तक है वो लोग आए,
किलोमीटर सेट किया है, तो जैसे जैसे आप चीजों को चेंज करेंगे फेसबुक यहाँ पर आपको राइट साइड पर ऑडियंस साइज भी शो करेगी आपकी ऑडियंस यहाँ पर। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूंगा ये सिर्फ एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि जब जब ये चीज किसी को बताइए तो लोग यही आंसर होता है आगे से कि सर इतना आगे से हमें इतना रिस्पॉन्स मिला, जबकि फेसबुक ये शो कर रही थी। या ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं इतना स्पेंड करूं तो मुझे उस पर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कि ये चीजें सिर्फ एस्टिमेटेड हो। $100 में भी जो है 1 lakh रीच ना आए, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कंटेंट के हिसाब से। तो ये माइंड में आप लोगों ने बात जरूर रखनी है, ठीक है। इसको हमने कर दिया, जी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से दोबारा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर किलोमीटर्स का मैंने डिस्कस कर दिया। मैं ये लास्ट बार रिपीट कर रहा था कि आप लोगों ने कभी भी फेसबुक का जो एस्टिमेटेड रीच है कभी भी उस पर फोकस नहीं करना कि हमें इतने डॉलर में इतनी कम क्यों मिल रही है। ये सब आपके कंटेंट की गेम है, कंटेंट आपका जितना स्ट्रांग होगा आपको उतनी ज्यादा रीच मिल जाएगी। हम एज पे आते हैं तो किस एज के लोग मेरे इस बिजनेस को, मेरे इस जो मैं पोस्ट लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ उस पर आ सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से इसको 16, ठीक है, और मैक्सिमम 45, ठीक है। ये सर जो है ना आप लोगों ने ये माइंड से थोड़ा सा थिंक आप लोगों ने जरूर करना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे कितने लोग देखेंगे। तो आई थिंक आप लोग जो भी इस कोर्स में इनरोल हैं वो इतना तो समझ सकते हैं कि इस चीज से कितना फायदा हो सकता है आपको, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीजें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। अल्लाह।